अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अज़मना डायरीज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आई होप सो आप सब ठीक होगे और आई होप सो आप वापस से मेरे व्लॉग्स एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ हल्दी के फंक्शन में। कहाँ जा रही हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिएगा, ये है मेरा आज का हल्दी का आउटफिट। आई होप सो आपको अच्छा लगे। सो चलिए चलते हैं, फिर आने के बाद आप लोगों के साथ बातें करते। बहुत लेट हो गया है, चलिए। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ मेरे ननन की हल्दी में। तो आप सब उनको तो जानते होंगे, वो इन्फ्लुएंसर है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो देखिएगा वो कौन है, आप देखते ही पहचान जाओगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, दुल्हन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और दुल्हन को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। और दोस्तों, अभी चल रहा है दुल्हन का फ़ोटोशूट और अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। और कमेंट में ज़रूर बताना आप सबको ब्लॉग कैसे लगता है। हल्दी थी मेरे ननन की, जैसे कि मैंने बताया आपको। मेरे हस्बैंड है, उनके मामू की लड़की है मुस्कान, आप सब उसको जानते ही होंगे। तो उसकी हल्दी थी। तो हल्दी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया और आयत स्कूल गई थी, इसलिए मैं आयत को ले जा नहीं पाई। ज़ारा को तो ले जा ही नहीं सकते हम, बहुत परेशान करती है। देखो अभी भी उसका कुछ ना कुछ चल ही रहा है, अभी भी वो रो रही है किसी चीज़ के लिए। तो ऐसे सब चल रहा है दोस्तों। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे बाजू में एक ओपनिंग है, तो वो ओपनिंग को भी जा रही हूँ मैं अभी। वो भी फटाफट जाके आती हूँ क्योंकि वो हमारे घर पे आए थे इनविटेशन देने को। तो आप लोग को वहाँ का भी थोड़ा सा बताती हूँ कैसा क्या है, थोड़ा सा शेयर करती हूँ। वो तो हमने गिफ्ट भी रेडी कर दिया है, पैक कर दिया है गिफ्ट। तो अभी हम जाएँगे थोड़े टाइम में, तो आप लोग के साथ शेयर करते। बिकॉज कोई अगर अपने को प्यार से बुलाता है तो जाना ज़रूरी है। और वो बहुत प्यार से हमको इनविटेशन दिए है और हमारे नेबर्स हैं, तो सबके साथ अच्छा रहना ज़रूरी है। जो हमारे साथ अच्छा रहते हैं उनके साथ अच्छा रहना ज़रूरी है। और दोस्तों, ये देखिएगा आयत। आयत, आज आपको क्या मिला है वो आप लोग? मैं बताती हूँ।
तो आयत जब से मुझे बोल रही हूँ मैं शेयर करूँ तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके बच्चों के स्कूल में भी होता होगा जो आस्था बच्चों आस्था एक मिनट आस्था एक फाउंडेशन है उनके बच्चों के लिए डोनेशन करना होता है तो उसमें आयत ने डोनेशन किया था पैसे जमाए थे और स्कूल में दिए और उसमें उसको मिला है और ज़ारा ने ले लिए और उसको मिला है मेडल एंड सर्टिफिकेट तो आप लोग सब लोग देखिएगा और हाँ फोटो भी निकाले और क्या आई एम सो हैप्पी फर्स्ट मेडल स्टडी में थोड़ा मेडल लेके आना है तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगी ओके दोस्तों तो स्टे ट्यून्ड मिलते हैं थोड़े टाइम भी मैं और आयत जाके आते हैं तो ये देखिएगा वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है जैसे वो बंगलों में ओपनिंग है तो आयत भी रेडी हो गई है तो अभी हम निकलते हैं आयत भी रेडी हो गई है और हम भी रेडी हो गए रेडी तो मैं ऑलरेडी पहले से ही थी तो चलिए चलते हैं और फटक से जाके आते हैं थोड़ा सा अगर शूट करने मिला तो मैं आप लोगों को शूट करके बताऊंगी स्टे ट्यून कम दोस्तों यहाँ पे वेज खाना था और बहुत ही ज़्यादा यम था माशाल्लाह और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमें दुआओं में याद रखिएगा अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद